हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इसकी ट्यूटोरियल। मैं राम केवल आपको स्वागत करता हूँ। आप आज हम बात करेंगे स्पेशल एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि लास्ट चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी का, इंटरमीडिएट के शॉर्ट स्टोरी को अब हम सम अप करने जा रहे हैं। प्रोज भी कंप्लीट हो गया है, पोएट्री भी और शॉर्ट स्टोरी भी, तो लगभग इंटरमीडिएट का सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है। इसके राइटर है मिस्टर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। ये एक ऐसा देशभक्ति और जज्बे से जुनून से भरा हुआ चैप्टर है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या लोग की कैसे क्या हमको आज़ादी मिली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, शॉर्ट स्टोरी से मैं आपको बता दूं कि दो क्वेश्चन मिलेंगे, चार चार नंबर के, और मर्चेंट ऑफ वेनिस से दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से करना रहेगा एक ही, 8 नंबर का वो भी रहेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि व्हाई डिड ज्ञान बाबूज वाइफ टेल हिम टू पुट इन हिज रेजिग्नेशन। ये क्वेश्चन 2012 और 17 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब ज्ञान बाबू अपने दोस्त की पत्नी को लाते हैं घर में, तो प्रिंसिपल जो होता है वो उनको फोर्स करता है उसको निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन जब ये बात उनकी पत्नी को पता चलती है तो वो क्या कहती है कि रेजिग्नेशन दे दीजिए। तो रीजन क्या था, ज्ञान बाबूज वाइफ टोल्ड हिम टू पुट इन हिज रेजिग्नेशन, त्यागपत्र दे दीजिए। क्यों, दे वेर नॉट गोइंग टू टर्न द लेडी द वाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर आउट ऑफ देयर होम, क्योंकि वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उस फ्रीडम फाइटर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे बेचारे जो जेल गए थे, उनकी पत्नी को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग। तो इससे अच्छा है कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, त्यागपत्र दे दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आइडिया ऑफ टाइम Do you gather from the story a special experience? 2010 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पार्ट से किस समय के बारे में आपको पता चलता है। तो द इंसिडेंट्स इन द स्टोरी अ स्पेशल एक्सपीरियंस आर रिलेटेड द टाइम्स बिफोर 1947, मतलब आज़ादी से पहले का समय पता चलता है इसमें। वेन द इंडियंस वे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर फ्रीडम, जब भारतीय क्या थे संघर्ष के लिए, सॉरी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, सी वॉज फ्लिंट आउटसाइड एंड गोल्ड इनसाइड, हु सेज दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है कि किसने कहा और किसके लिए कहा। तो ये किसके लिए कहा गया, नरेटर, नरेटर है कौन अगर आपसे पूछता है, तो नरेटर है फ्रीडम फाइटर की जो बीवी है, वो ज्ञान बाबू की पत्नी नहीं, फ्रीडम फाइटर की पत्नी जो जेल गए थे। तो द नरेटर सेज दीज वर्ड्स, द नरेटर सेज दीज वर्ड्स अबाउट ज्ञान बाबूज वाइफ, वो ज्ञान बाबू की पत्नी के लिए कहती हैं। ठीक है, सी इज क्वाइट जस्टिफाइड इन सेइंग दिस बिकॉज आउटवर्डली ज्ञान बाबूज वाइफ वॉज ऑर्डिनरी बट इन वर्ड सी वॉज नोबल एंड काइंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द रिस्पॉन्स ऑफ द पेरेंट्स टू देयर डॉटर हुज हस्बैंड हैड बीन जेल्ड। ठीक है, क्या आप उनके पिताजी जो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स दोनों को लिखती है, अपने ससुर को भी लिखती है और अपने पिता को भी लिखती है लेटर हेल्प के लिए, लेकिन वो लोग जो रिस्पॉन्स देते हैं उससे आप सहमत हैं कि नहीं, वो लोग मना कर देते हैं, तो आप सहमत हैं कि नहीं ये बताइए। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर बेस्ड ऑन द स्टोरी स्पेशल एक्सपीरियंस, आप चैप्टर के आधार पर अपना रीजन दीजिए। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो द लेडी हुज हस्बैंड हैड बीन जेल्ड, वो औरत जिसके पति जेल गए थे, रोड टू हर पेरेंट्स फॉर हेल्प बट हर फादर रिफ्यूज टू हेल्प हर बाय सेइंग दैट हिज प्रमोशन वुड बी स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कह करके कि सरकार प्रमोशन रोक देगी, वो उसकी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है कि हम एग्री नहीं करते हैं उनके रिस्पॉन्स से। ठीक, हम ऐसे लिख सकते हैं, नो आई डू नॉट एग्री विद द रिस्पॉन्स ऑफ द पेरेंट्स टू देयर डॉटर हुज हस्बैंड हैड बीन जेल्ड बिकॉज सी नीड्स बैडली देयर हेल्प बट दे डोंट हेल्प हर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ज्ञान बाबूज वाइफ दैट यू लाइक्ड मोस्ट इन द स्टोरी। इस पार्ट में
2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि आप ज्ञान बाबू की पत्नी की कौन सी क्वालिटी को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, द ग्रेटनेस, नोबिलिटी, अफेक्शन, ड्यूटीफुलनेस एंड लव फॉर द कंट्री आर क्वालिटीज इन द कैरेक्टर ऑफ ज्ञान बाबूज वाइफ, स्पेशल क्वालिटीज हैं ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट ज्ञान बाबू वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान बाबू जो सिद्धांतों के आदमी थे, सिद्धांतवादी थे, सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान थे। वी कैन से दैट ज्ञान बाबू वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल बिकॉज ही गेव शेल्टर टू हिज फ्रेंड्स वाइफ एज हिज ड्यूटी। उन्होंने अपने दोस्त की बीवी को अपना कर्तव्य समझ करके अपने घर में पनाह दी थी, एंड रिस्क्ड हिज ओन जॉब फॉर हिज ड्यूटी, और इस कर्तव्य के लिए उन्होंने अपने जॉब के खतरे को भी जॉब को भी खतरे में डाल दिया था, जबकि उसके खुद के बाप ने प्रमोशन की वजह से उसकी मदद नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञान बाबू अफेक्ट द प्रिंसिपल। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2018 में भी दूसरी तरह से पूछा गया कि हाउ वॉज द प्रिंसिपल अफेक्टेड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञान बाबू। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि ज्ञान बाबू जब रेजिग्नेशन दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, तो उससे प्रिंसिपल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या होता है, प्रिंसिपल बिकम नर्वस बाय सीइंग हिज रेजिग्नेशन, ही एट वंस वेंट टू कमिश्नर एंड डिस्कस द मैटर। वो क्या करता है, कमिश्नर के पास जाता है और इस बारे में बात करता है, नहीं मतलब इससे पता चलता है कि वो क्या हो गया था, प्रभावित हुआ था। इन दिस वे द रेजिग्नेशन ऑफ ज्ञान बाबू अफेक्टेड द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाइफ रिएक्ट टू हर हस्बैंड इम्प्रिजनमेंट इन एक स्पेशल एक्सपीरियंस। 2017-18 में पूछा गया कि जब फ्रीडम फाइटर को जेल होती है, तो उसकी पत्नी जो थी वो क्या रिएक्ट करती है। तो ऑन हर हस्बैंड्स इम्प्रिजनमेंट द वाइफ वॉज वेरी करेजियस एंड फुल ऑफ पैट्रियोशन या पैट्रियटिज्म कह सकते हैं। जब वो जेल होता है, तो उसको तो उसकी पत्नी जो थी वो और हिम्मत दिखाती है और देशभक्ति की भावना से, देशभक्ति के जज्बे से भर जाती है। सी वॉज सो प्राउड ऑफ हर हस्बैंड, वो इतना ज़्यादा उस पर गर्व करती है, दैट सी वॉन्टेड टू टच हिज फीट, वो उसके चरण छूना चाहती है, पैर छूना चाहती है, एकदम उसको प्राउड फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर द पोलिटिकल एजिटेटर्स एंड वॉट वेयर दे फाइटिंग फॉर। वो स्वतंत्रता सेनानी या फिर क्रांतिकारी लोग कौन थे और किस लिए वो लोग लड़ रहे थे। तो द पोलिटिकल एजिटेटर्स वेयर इंडियंस, वो लोग भारतीय थे, दे वेयर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, और वो अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इंडिया के लिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फादर एंड द फादर इन लॉ ऑफ द नरेटर रिस्पॉन्ड टू टेलीग्राम एंड वाई। ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया है, यही लोग हैं नरेटर के पिताजी। तो इसका आंसर क्या होगा, द फादर एंड द फादर इन लॉ ऑफ द नरेटर रिस्पॉन्डेड टू टेलीग्राम्स विद एंग्री लेटर्स। उन लोगों ने गुस्से वाले पत्रों से उसका जवाब दिया टेलीग्राम का। हर फादर रिप्लाइड दैट हिज इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन वुड बी स्टॉप्ड। और बेचारी के पिताजी ने ये कहा कि उनका इंक्रीमेंट रुक जाएगा या फिर प्रमोशन रुक जाएगा। और उनके हर फादर इन लॉ आंसर्ड दैट हिज पेंशन कुड बी कट ऑफ इफ ही सपोर्टेड हर। और उसके ससुर ने कहा कि अगर वो उनकी मदद करते हैं तो उनका पेंशन कट जाएगा। ऐसे ऐसे लोग पड़े थे, बेचारी का किसी ने मदद नहीं किया। ये रहा आपका स्पेशल एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ो इंडिया, पढ़ो इंडिया, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ो इंडिया।